अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या चल रहा है? ठीक ठाक हो? अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और उसके दरमियान मैंने एक थ्योरी बेस्ड लेक्चर दिया था। वो दरअसल जो मेरा विंडो थी वो थोड़ी सी करप्ट हो गई थी, तो लिहाजा मैंने ये न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल किया 2016। जो मेरा पिछला बढ़िया था, जो आपने वर्ड देखा था, वो था 2010। अच्छा, इसमें एक बात मैटर भी करती है कि अगर आप काम करते हो वर्ड के जो भी वेरिएंस पेपर 2010 के या 16 पे, जब आप उस फाइल को ओपन करते हो तो किसी दूसरी फाइल पे, तो आपको मोस्टली प्रॉब्लम अकर होती है। वो प्रॉब्लम अकर क्यों होती है? वो फाइल खुल नहीं पाती, लेकिन 16 में उन्होंने कुछ ऑप्शन वगैरह दी हुई हैं कि आप उसको ओपन कर सकते हो। तो लिहाजा हम चल सबसे पहले चलते हैं अपने एक्सेल की तरफ। एक्सेल एक्सेल क्या चीज़ है? सबसे पहले बात तो वर्ड क्यों यूज़ किया था हमने? वर्ड डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन के लिए यूज़ किया था, बुकलेट के लिए यूज़ किया था, लेटर एप्लीकेशन वगैरह जिस तरह भी डॉक्यूमेंट्स टाइप की होती हैं वो हमने उसके ऊपर वर्ड यूज़ किया था। अब आगे बात एक्सेल, एक्सेल के बहुत सारे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर रहे हैं। इस तरह बहुत सारे एक्सेल हैं जो हमने थ्योरी के अंदर भी पढ़ा था, नंबर ऑफ एक्सेल मौजूद है, यानी एक्सेल की तरह के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। ये मोस्टली हमारे रिकॉर्ड कीपिंग, काउंटिंग के, कैलकुलेशन के, फॉर्मूलेस के, इसमें हम इवन के फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन बना सकते हैं, क्योंकि इसके हम ऊपर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के जरिए। बटन भी बनाते हैं, बटन से नेक्स्ट मूव ऑन, यानी बहुत ये बस एक कह सकते हैं कि वाइड एंगल ये है। जितना आप इसको पढ़ते जाएंगे उतनी आपको इंफॉर्मेशन आती जाएगी। तो हम इसमें एक्सेल में बेसिक पढ़ेंगे, अगर किसी को एडवांस का शौक हो वो एक्सेल को एडवांस में भी सीख सकता है, बट वो उसके लिए तकरीबन 4 to 3 months चाहिए होते हैं एडवांस सीखने के लिए, जिसमें आप अपना एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, शॉप मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना सकते हैं, सारा कुछ आप उस पर क्रिएट कर सकते हैं। शुरू करते हैं एक्सेल। एक्सेल क्या चीज़ होती है? एक्सेल में वही वर्ड की तरह 80% हम इसमें चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। वर्ड में जो 80%, यानी मैंने आपको बताया भी था जिसने वर्ड पे, इसलिए मैंने इसे 2-3 लेक्चर बनाए थे तो आपके आपको इजीली उसमें आराम से समझाया जा सकता है। तो लिहाजा जिसने वर्ड के लेक्चर नहीं लिए वो जाके सबसे पहले वर्ड के लेक्चर ले, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, उसके बाद फिर यहाँ पे मूव ऑन करें, क्योंकि मैंने इसको क्विकली एक ही लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि क्योंकि उसमें वो ही दोबारा चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बारह मैं फिर भी थोड़ा सा बता दूंगा ताकि आपको साथ साथ गाइडलाइन होती जाएगी। ये हमारे पास वही अगेन क्रॉस मैक्सिमाइज मिनिमाइज, ये हमारे पास टाइटल बार है, नीचे हमारे पास स्टेटस बार आ रही होती है। और इसके अलावा सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि हमें जो हमें वर्टिकल कॉलम की शेप में नज़र आते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? कॉलम्स कहेंगे। ये हमारे पास क्या है? कॉलम्स हैं। जो हमारे पास हॉरिजेंटल की शेप में होंगे इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास रोज हैं। जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं वो ABCDE की फॉर्म में होते हैं। जो हमारे पास रोज होती हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की तरफ में रोज होती हैं। और जो हमारे पास कॉलम्स है वो, हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? XFD, यानी इसके आगे कॉम्बिनेशन बनेंगे। कौन से कॉम्बिनेशन? पहले ए का सारों के साथ, फिर हमारे पास ए, अब मैं आप थोड़ा सा आगे जाता हूँ, ये देखो ए का सारों के साथ, फिर ए बी का सारों के साथ, फिर सी का सारों के साथ, यानी इतने तादाद में हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद हो सकते हैं, हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है? हमारे पास नंबर ऑफ रोज है कुछ आप कह रहे हैं 10 लाख तक रोज है हमारे पास। इन नंबर ऑफ रोज ये वेरी करती है उसके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पूरे 2007 में इतनी थी, 13 में इतनी थी, इस हिसाब से वेरी करती हैं। अच्छा, वर्टिकल्स में हमारे पास क्या है? कॉलम्स। और हॉरिजेंटल में हमारे पास क्या है? रोज। हॉरिजेंटल में हम ये नंबर को शो करेंगे और वर्टिकल में हमारे पास ये अल्फाबेट्स को शो करेंगे। और इसके अलावा रो और कॉलम्स के इंटरसेक्शन से हमारे पास एक सेल बनता है। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन के पास हमारे पास एक सेल बनता है, और सेल जो बनेगा जहाँ पे हमने काम करना होगा वो सेल के ग्रीन अराउंड अबाउट एक
बॉर्डर बनेगा जिसे हम कहेंगे एक्टिव सेल। एक्टिव सेल वो सेल होते हैं जिसपे हम काम कर सकते हैं। अब एक्टिव सेल ये है, अब एक्टिव सेल ये है, अब एक्टिव सेल ये है, अब एक्टिव सेल ये है। एक बात याद रखना, जब भी आप एक्सेल के ऊपर काम करते हो तो आपको उस एक्सेल के एड्रेसेस का पता होना चाहिए, उस सेल के एड्रेसेस का पता होना चाहिए। तो उस सेल के एड्रेसेस हम दो तरीक़ों से पता कर सकते हैं। एक हमारे पास ये तरीका ये है कि हम यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देखेंगे ये कौन से कॉलम से आ रहा है, ये डी कॉलम से आ रहा है, और कौन से रो में जा रहा है, ये 10 रो में जा रहा है। तो इस सेल का एड्रेस है D10, D10। और दूसरा तरीका यह, सबसे पहले हम कॉलम को देखेंगे, उसके बाद फिर हम रोज़ को देखेंगे हमेशा। दूसरा तरीका यह है कि इसके ऊपर ये ऑप्शन बनी हुई है, ये देखो D10। मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा L14, जहाँ पे क्लिक करूँगा E18, जहाँ पे क्लिक करूँगा P11। अब ये सेल्स की हैं, ड्रेसेस की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, लेकिन दोबारा इतना याद रखना कि इस वजह के ड्रेस की हमें ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास जो ये है, हमारे पास एक शीट है, इस जिसे हम शीट करते हैं, स्प्रेडशीट, जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। इस तरह हम ये हमारे नीचे प्लस बनाएंगे, ये हमारे पास शीट नंबर 2 बन जाएगी। तो ये हमारे पास वर्कबुक बन जाएगी, नेक्स्ट वर्कबुक ये है, नेक्स्ट वर्कबुक ये है। जितनी हम शीट चाहते हैं हम उस शीट को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इस पे काम किया और इसको हाइड करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ये हाइड का बटन है तो ये कॉलम हाइड हो जाएगा। हम इसमें वापस आना है, राइट क्लिक करेंगे तो अनहाइड करेंगे, ये कॉलम वापस आ जाएगा। इसको डिलीट करना है तो माउस को ऊपर लेके हैं, तब जब ये एरो क्रिएट होगा इसका मतलब हम इस कॉलम को सेट कर रहे हैं। हम इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये सेल पूरी रो डिलीट हो जाएगी। वो आपको इसलिए नहीं शो हो रही क्योंकि 1, 2, 3, ठीक है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ तो ये मेरे पास रो पूरा कॉलम डिलीट हो गया, 1, 3 रह गया। इस तरह मैं रो पे काम कर सकता हूँ। इस तरह मैंने अगर सारे को सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कॉर्नर पे तो मेरे साथ पास सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट को प्रेस करूँगा और एरो की प्रेस करता जाऊँगा जो जो मुझे सेलेक्टिंग चाहिए एरिया, ठीक है। उसके बाद इसी तरह मैं वर्कबुक को डबल क्लिक करूंगा, उसको रीनेम कर सकता हूं, उसके ऊपर राइट करूंगा और ये मेरे पास रीनेम की ऑप्शन, डिलीट की ऑप्शन आ जाएगी, इंसर्ट की ऑप्शन आ जाएगी, टैब कलर की ऑप्शन आ जाएगी। मैं इस वर्कबुक को डिफरेंट टैब कलर दे सकता हूं, जिस तरह ये अभी मैंने ये ग्रीन कलर दिया, और ये सारी चीज़ें मैं दे सकता हूँ। उसके बाद ये मेरे पास जूम आउट, जूम इन वगैरह शो होता है। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारे पास आ जाता है सबसे पहले फाइल, फाइल में हम क्या कर सकते हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश, क्लोज वगैरह। न्यू न्यू में हम क्या काम कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक बताना था, वर्ड में कुछ पार्ट रह गया था, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। आपने वर्ड के अंदर हमने प्रिंट एरिया बोल गए थे। अच्छा, वर्ड में हमने डॉक्यूमेंट प्रिंट करना था, वो बोल गए थे। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट लिखा, मैं इसको Ctrl P दबाता हूँ, Ctrl P4 प्रिंट होता है। ये मेरे पास प्रिंट की ऑप्शन आ गया। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा तो आप जाओ फाइल, फाइल के अंदर और यहाँ पे जाओ प्रिंट में, तो ये मेरे पास प्रिंट की ऑप्शन आ गई। सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास प्रिंटर है कौन सा। वो प्रिंटर जो आपके पास इंस्टॉल होगा उसके ऊपर टिक आ जाएगा, अदरवाइज आपको प्रिंटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपने ऑल पेज करने हैं, करंट पेज करने हैं, ये आपको ने देखना। अगर आपके पास 100 पेज होंगे तो आपने 100 पेज प्रिंट करने हैं तो आप प्रिंट को ऑल पेज कर देंगे। लेकिन अगर उससे पेज में से आपने कुछ पेज प्रिंट करने हैं तो आप उसको सेट करें 5, 7, 90, तो ये 3 पेज प्रिंट होंगे। अगर आपने नंबर ऑफ रेंज सेट करनी है, मैं कहता हूँ कि 5 से लेकर 30, 70, इतने पेज प्रिंट आउट करने हैं तो 5 से 70 पेज सारे प्रिंट आउट हो जाएंगे। यही काम आपका पावर पॉइंट में भी होगा, यही काम आपका एक्सेल के अंदर भी होगा। ये वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन वर्ड में आपको समझा देता हूँ। उसके अलावा प्रिंट वन साइड, प्रिंट बोथ साइड, इसका मतलब क्या है कि एक पेज के एक साइड पे प्रिंट करने हैं, उसके पेज के 200 साइड पे प्रिंट करने हैं। अब बाज प्रिंटर ऐसे होते हैं कि वो उस पेज के एक साइड पे प्रिंट आउट कर देते हैं, लेकिन अगर आपने डबल साइड प्रिंट आउट करना है तो आप क्या करेंगे,
उसके ये डबल साइड ऑप्शन करेंगे तो प्रिंटर ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज पे प्रिंट करके उसकी बैक साइड पे दूसरा प्रिंट दे देगा। उसके बाद ओरिएंटेशन, अगर आपने पोर्ट्रेट रखनी है तो लैंडस्केप रखनी है तो पेज का साइज इस तरह होगा, अगर आपने पोर्ट्रेट रखनी है तो पेज का साइज इस तरह हो जाएगा, लैंडस्केप हॉरिजॉन्टली यानी वर्टिकली हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है कि उस पेज के लेटर में A4 निकालना है, लीगल निकालना है, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया था। मार्जिन्स क्या होती हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मार्जिन्स क्या चीज़ होती हैं। तो ये था हमारे पास प्रिंट के ऑप्शन। वापिस एक्सेल पे आते हैं। अच्छा, हम थे शीट का, मैंने आपको बताया कि शीट्स क्या होती हैं, हाइड कैसे कर सकते हैं उनको, इसी तरह हम शीट को भी हाइड कर सकते हैं, शीट को डिस्प्ले भी कर सकते हैं, राइट क्लिक किया हाइड कर दिया, राइट क्लिक किया उसको भी दोबारा अनहाइड भी कर सकते हैं। ये आपसे पूछेगा कौन सी शीट को हाइड करना है। एड्रेसेस का पता चल गया, सिलेक्शन का पता चल गया, हमें इस रो के सिलेक्शन का पता चल गया। तो अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं होम टैब के अंदर। होम टैब अगेन वही कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फॉन्ट। फॉन्ट में वही हमारे पास कौन सा फॉन्ट हम यूज़ करना चाहते हैं वो हम अगेन इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद साइज इंक्रीज, उसके बाद हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसका साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। एक बार याद रखना, जब आप साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करोगे तो स्लो का साइज़ भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगा। ये हमारे पास बोर्ड अटैचिक अंडरलाइन कंट्रोल बी यू आई। उसके बाद हमने, अच्छा जब आप इसको प्रिंट आउट करोगे तो आपके पास जो ये लेआउट नज़र हो रहा है ये ब्लैंक पेज पे प्रिंट आउट होगा, ठीक है। एक्टिव शीट का मतलब क्या होता है, एक सेल में एक एक्टिव शीट होती है, हम टाइप बुक वर्क बुक कर सकते हैं और सिलेक्शन भी कर सकते हैं। मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो एक्टिव शीट ये बॉर्डर लाइनिंग आ गई, ये हमारे पास इस टाइम नंबर ऑफ एक्टिव शीट 1 है, ये हो जाएगी 1 एक्टिव शीट है। इसी तरह 2 3 4 इस तरह सोमन चलती जाएगी। जो ये सेल्स के बॉर्डर शो हो रहे हैं 2 सेल के, तो ये हमारे पास प्रिंट आउट में नहीं होगा। मैं कहता हूँ चलो मैंने एक टेबल बनाया नेम के नाम से, सी एल नेम, उसके बाद नंबर, उसके बाद मैं कहता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद नेम कुछ कोई सा भी डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, जो मोस्टली एक्सेल में मेरे पास काम होता है वो टेबल की शक्ल में होता है। अब ये देखो, मैं जब इसको प्रिंट आउट करूँगा तो ये मेरे पास कुछ भी नहीं प्रिंट आउट होगा, वैसे ही सिंपल सा आ जाएगा। तो मुझे एक्सेल में यूज़ करने का फायदा ये, मैं वर्ड पे भी काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको कहता हूँ कि भाई इसे मैंने शेयर में जाना है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके ये बॉर्डर मेरे पास सारे आ गए। तो मोस्टली मैं इसको ऑल बॉर्डर कर दूंगा तो ये बॉर्डर के अंदर टेबल बन जाएगा। तो अब मैं इसको प्रिंट आउट करूँगा तो ये मेरे पास एक टेबल की शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उससे पहले, हाँ ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये आ गया सेल्स का कलर। मैं इसको हाईलाइट करूँगा, यहाँ पे सेल्स का कलर सेट कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैंने फॉन्ट का कलर सेट करना है तो मैं इसको हाईलाइट करूँगा तो मैं ये फॉन्ट का कलर भी इसको यहाँ से सेट कर सकता हूँ। उसके अलावा कुछ आ जाते हैं सेल्स के बारे में। अब ये सेल एक बॉक्स बना हुआ है, लेकिन इसके साइड पे एक छोटा सा और बॉक्स बना हुआ है। जैसे ये माउस को इसके छोटे से बॉक्स पे जाता हूँ तो ये मीन्स के उसकी प्रॉपर्टी को पकड़ लेगा। प्रॉपर्टी क्या मीन्स, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3, अगर मैंने 1000 तक गिनती लिखनी है तो मैं 1000 तक तो टाइप नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, इस 1 2 3 को सेट आउट करूँगा। अब मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा, बॉक्स में मैंने क्लिक प्रेस करके रखा और इसको ड्रैग किया। अब मुझे जितनी मर्जी गिनती चाहिए तो मैं इसको ड्रैग करूँगा, तो मैं इसको जैसे ही लीव करूँगा तो ये मेरे पास वहाँ तक गिनती आ जाएगी। इसी तरह मैं कहता हूँ अगर ABC, अगर मैं इसको करता हूँ तो इसको स्टेप करता हूँ तो ABC इस तरह मेरे पास शो हो जाएगी। तो ये थी सेल्स की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ये आ गए हमारे पास सेल्स के, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब ये जो टेक्स्ट लिखा है 1, ये मेरे सेल्स के राइट बॉटम में है, तो मैं इसको मिड में जा सकता हूँ। उसके बाद इसको यहाँ से मिड में पोजीशन में जा सकता हूँ, ये दोनों मिड की है। ये मेरे पास लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट टॉप में चाहिए तो मैं इसको टॉप में कर देता हूँ। ये टॉप मिड बॉटम,
इसी तरह ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट मिड राइट, ऊपर है टॉप मिड बॉटम, ये हमारे पास लेफ्ट राइट। ये हमारे पास क्या है, टेक्स ओरिएंटेशन है। मैं इस टेक्स को किस तरह चेंज कर सकता हूँ, ये मैं इस टेक्स को जिस तरह मर्जी चेंज कर सकता हूँ, ये हमारे पास ओरिएंटेशन है टेक्स की। उसके बाद इंडेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये मैंने आपको बताया था, मैं आपको यहाँ से भी इंक्रीज कर सकता हूँ, यहाँ से भी डिक्रीज कर सकता हूँ, मुझे जितना भी चाहिए मैं इसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता हूँ, जो उसकी पोजीशन होगी उसको कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखो जितना मुझे चाहिए तो मैं इसको करता हूँ, ये स्पेसिफिक करता है, जबकि ये मुझे जितना जहाँ पे चाहिए मैं उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे पास मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स क्या होते हैं, मर्ज मीन दो चीज़ों को मर्ज करना। अब ये देखो इसके ऊपर ऑप्शन है, एक यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2, ऊपर लिखता हूँ कंप्यूटर। मैं कहता हूँ यहाँ पे तो दो सेल्स यूज हो रहे हैं, एक ये सेल्स यूज हो रहा है, एक ये सेल्स यूज हो रहा है, लेकिन कंप्यूटर हेडिंग जो है वो ज़्यादा ज़्यादा है। मैं कहता हूँ इसकी हेडिंग क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों सेल को इकट्ठा करना चाहता हूँ। तो मैं जैसे इन दोनों सेल्स को पकड़ूंगा, लेकिन ये देखना कि जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो इसका एड्रेस था F5, इस पर क्लिक किया इसका एड्रेस है G5। अब मैं दोनों सेल को इकट्ठा करूँगा, मर्ज करूँगा, तो इसका एड्रेस F5 बन जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग एड्रेस किया है F5। अब मर्ज मीन उसने क्या किया, दो सेल्स को एक बना दिया। अब मैं जितने मर्जी सेल्स को बनाना चाहता हूँ मैं उसको एक मर्ज बना दूंगा। इसने मुझे एरर दिया क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मुझे टेक्स्ट को रिमूव करना पड़ेगा, बाद में उसको मुझे उसको मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह मेरे पास आता है रैप टेक्स क्या होता है, रैप टेक्स ये होता है कि अगर मेरे पास ये सेल्स में डाटा बाहर जा रहा है तो मैं इसके नीचे करूँगा, तो ये एक ही सेल के अंदर डाटा है ना कि अगले सेल में, तो मैं इसको क्लिक करके इसको रैप टेक्स करूँगा तो वो एक ही सेल में उसको कंबाइन करने की कोशिश करेगा। रैपर क्या होता है, रैपर यही होता है कि सारी चीज़ों को एक ही पैकेट के अंदर होल्ड करके रखता है, तो रैप टेक्स वहीं से निकले। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, आ जाते हैं नंबर्स। अब ये सेल की फॉर्मेटिंग को बताते हैं कि भाई हमने किस किस्म के सेल की फॉर्मेटिंग चाहिए, जर्नल्स चाहिए, नंबर्स चाहिए, करेंसी अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज वगैरह ये चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस पर करता हूँ कि नंबर किया, तो अब मैं इसको अगर कर देता हूँ लॉन्ग शॉर्ट डेट में, शॉर्ट डेट में, तो उसको शॉर्ट डेट के अंदर चेंज कर देगा। अब डेट बहुत बड़ी लिखी गई थी, इस वजह से उसने उसको चेंज नहीं किया। ये उसको शॉर्ट डेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसको मैं कहता हूँ लॉन्ग डेट में कर दो, तो ये इसको मंडे अप्रैल 2030 के लॉन्ग डेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह अगर मैं इसको कहता हूँ कि अगर इसको जनरस कर दे, तो इसको जनरस में जाएगा। इसी तरह नंबरिंग में, नंबरिंग के अंदर उसको देगा। उसके बाद क्या आता है कि अब देखो कि मेरे पास 121.00, ये डेसिमल्स पॉइंट के बाद डेसिमल्स आ रहे हैं, तो ये हमारे पास इंडेंट, डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल होते हैं, तो मैं जितने मर्जी इंक्रीज कर सकता हूँ, अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ तो डिक्रीज भी कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये आ गया कुछ डॉलर, चाइनीज़ यूनिट, यूरोज़ वगैरह साइन आते हैं, तो अगर मैं इसके साथ किसी की प्राइस मेंशन करता हूँ तो मैं प्राइस भी उसके साथ अटैच कर सकता हूँ। नेक्स्ट में हमारे पास अगर मोर, मैंने इस पर फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो मैं इसको मोर में जाके मोर फॉर्म यानी अपनी कंट्री के फॉर्मेट भी इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉमा। मैं इसको कॉमा में करूँगा, ये मुझे कॉमा में बता देगा 3,01,000, इस तरह कॉमे में फॉर्मेटिंग देगा। और परसेंटेज पे क्लिक करूँगा तो इसकी परसेंटेज पे कन्वर्ट यानी परसेंटेज का साइन इस पर लगा देगा। इस तरह मैं इसके ऊपर मोर फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकता हूँ, नंबर ऑफ़ फंक्शन में जाके, या मैं अपने नंबर ऑफ़ फॉर्मेटिंग्स वगैरह भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ जो मुझे अप्लाई करने होंगे। ये फॉर्मेटिंग सेल अलाइनमेंट्स में उसकी अलाइनमेंट्स वगैरह कहाँ पे करना चाहता हूँ फॉर्मेटिंग की, यहाँ से भी चेंज हो सकती है, वहाँ से भी चेंज होती है। फॉन्ट में मेरी डिफरेंट फॉन्ट बॉर्डर वगैरह ये सारा कुछ जो पीछे पड़ के था उसको ही
रिपीट कर रहा है, लेकिन जो नंबर्स के अंदर है मैं इसके अंदर नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग अपनी कस्टम भी बना सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, टेबल फॉर्म स्टाइल्स। स्टाइल्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये होता है कि हमने जो फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग क्या होता है, फॉर्मेटिंग से मुराद जो हमारे पास ये एक्सेल की सेल शीट है उसका नाम मेकअप करना, मेकअप से मुराद इसके साइज को कलर वगैरह करना, ये सारी चीज़ें करना। तो मैं इसको क्या कहता हूँ, 44, और इसको कह देता हूँ 4, उसको भी कह देता हूँ 14, इसको 10, ठीक। अब मैं कहता हूँ, मैं इसको सेट करता हूँ, ठीक है, यहाँ तक सेट कर दिया। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, सबसे पहले हाईलाइट्स रूल। हाईलाइट्स रूल मैं यहाँ पे वैसे दे सकता हूँ कि भाई जो मेरे पास पांच, मैं कहता हूँ कि भाई जो मेरे पास 8 से ग्रेटर है ना उसको हाईलाइट कर दो। तो ओके किया, उस वैल्यू को हाईलाइट कर देगा जो 8 से ग्रेटर देन है। इसी तरह मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, लेस देन कर सकता हूँ, बिटवीन कर सकता हूँ, इक्वल कर सकता हूँ, जो उसके बराबर, यानी जो मैं उसको वैल्यू दूंगा जो उससे लेस देन है उसके बराबर कर दे, बिटवीन मैंने जो वैल्यू के दरमियान बिटवीन है उसको हाईलाइट कर दे, यानी 4 और 5 के दरमियान जो बिटवीन है उस वैल्यू को हाईलाइट कर दे। इक्वल का मतलब है जो अगर मैं कहता हूँ कि दो दो के दो नंबर एंटर करता हूँ तो दो के वैल्यू के दरमियान, यानी दो से जो इक्वल वाली साइज है उसको हाईलाइट कर देगा। इस तरह टेक्स्ट कंटेन, यानी उस जो टेक्स को कंटेन करता होगा, जो वैल्यू कंटेन करना होगा उसको हाईलाइट कर देगा। डेट, एड्रेस और डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू मीन्स कि मैंने जो उसको रेंज दी है उसके अंदर दरमियान जितनी डुप्लीकेट वैल्यू है उसको हाईलाइट कर दो। तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो ओके कर दिया, ये मेरे पास चार चार एक डुप्लीकेट वैल्यू है, उसने उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके अलावा टॉप बॉटम, यानी टॉप 10 वैल्यू कौन सी है, टॉप 10% कौन सी है, अबव एवरेज अबव लो, मैं उस पर वैल्यू दूंगा उसको हाईलाइट कर देगा। डाटा बार्स, ये अंदर बार्स के अंदर वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा वो, यानी उसकी कितनी वैल्यू है डिफरेंट कलर्स में मुझे चाहिए उसको बता देगा। इसके अलावा कलर, ये कलरिंग में उसको बता देगा कि भाई जो डिक्रीज होता है वो रेड, फिर उसके बाद इंक्रीज के साथ है आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज करता जाता है। अगर मैं इसको आइकॉन लगाने हैं तो उसके आइकॉन वगैरह भी उसमें चेंज कर सकता है। हम इसके ऊपर न्यू रूल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। न्यू रूल्स से मुराद मैं यहाँ से वैल्यू उसको बताऊंगा कि अभी जो मेन चीज़ बेसिक चीज़ थी या थोड़ी सी एडवांस के अंदर आ जाती है। न्यू रूल्स में हम अपने रूल्स क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह बना मर्जी बनाना हो, हमें उसमें डुप्लीकेट चाहिए हो, लोस्ट वैल्यू चाहिए हो, एवरेज वैल्यू चाहिए हो, वो उसको उसमें से हाईलाइट कर देगा। उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मेटिंग टेबल। फॉर्मेटिंग टेबल्स में हम ये अप्लाई कर देंगे तो उसको फॉर्मेटिंग टेबल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये हमारे पास एक फॉर्मेटिंग टेबल बन गया, यानी उसकी एक हेडर बना देगा, उसके बाद डिज़ाइन ओपन हो जाएगा। ये मैं आपको वो जो हमने पढ़ा था वर्कर्स और वर्ड के अंदर बिल्कुल सेम उसी तरह है। उसके अलावा हमारे पास सेल स्टाइल। सेल स्टाइल में हम ये डिफरेंट किस्म के सेल स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। हम इसके अंदर कलरिंग हो जाएगी, उसके बाद फॉन्ट कलर चेंज हो जाएगा, ये सारी चीज़ें उस सेल सेल स्टाइल के अंदर आ जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्स। सेल्स में हमने इंसर्ट करना हो सेल्स तो हम यहाँ पे रेड करेंगे, इंसर्ट सेल करेंगे, उसको बताएंगे कि हमने राइट करना है, डाउन करना है, रो करना है, कि एंटायर रो करना है, एंटायर कॉलम करना है। तो मैं इसको राइट करता हूँ तो ये मेरे पास एक राइट के अंदर सेल्स आ जाएगा। अब जो दो था उसने उसको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया और वहाँ पे सेल्स क्रिएट हो गया। ठीक है, इस तरह इंसर्ट शीट करनी है, हम शीट इंसर्ट करते हैं, कॉलम करना हो कॉलम रो कर सकते हैं, ये रो करनी हो रो कर सकते हैं, शीट करनी हो तो शीट कर सकते हैं। अगर डिलीट करना हो तो मैं इसको डिलीट करूँगा, डिलीट सेल करूँगा और इसको लेफ्ट की तरफ मूव कर दूंगा तो ये दो मेरे वापस का आ जाएगा, क्योंकि जितना लेफ्ट पे डाटा है वो राइट की तरफ मूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने एक साइड डिलीट किया तो जहाँ से वो डाटा था वहाँ पे उसको आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद
नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फॉर्मेट। फॉर्मेट में हम फॉर्मेटिंग करते हैं उसकी के रो हाइट कितनी है, ये यहाँ से रो हाइट करनी है, उसके बाद सेल्स हाइट करनी हो सेल हाइट को सेट कर सकते हैं। हाइड एंड हाइड वो मैंने आपको भी बता दिया कि रीनेम शीट किस तरह कहते हैं ये सारा कुछ। प्रोटेक्ट शीट मैंने मीन्स कि आप अपने इस शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।